तो अगला दिन शुरू हो चुका है, इस वक्त 10 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अबहा के लिए। जैसे मैंने कहा था, अबहा और अलबहा को कंफ्यूज़ मत करना, दोनों अलग हैं। और अबहा यहाँ से जो है वो तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर है। और इस वक्त अलबहा में धूप है, मतलब जैसे याद में होती है, लेकिन हवा ठंडी चल रही है तो फील नहीं हो रहा। तो अभी बस वही चल के मिलते हैं। तो जो है अभी अभी हमने होटल में चेक इन किया और अब थोड़ी देर बैठ के फिर हम जाएंगे बाहर लेट है आओ। और ये व्यू है शायद बहुत ठंडे है। जल्दी नहीं, एक्टिंग मत करो। ठीक है उल्लू पता। ये व्यू है, बिल्कुल विजिबिलिटी लो है। बहुत ठंडे। ठंड नहीं है यार, लेकिन है तो। तुम फिर भी हाफ स्लीव्स पहन के आए। कोई बात नहीं, आप जो पहन के आए हैं। बैड बॉय। हमारी कार बहुत दूर पार्क है, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक और ये चीज़ है हाई सिटी, क्योंकि हम यहाँ नहीं। इतनी भी ठंड नहीं है। एक्टर और ये मुझे यहाँ पे सीक्रेट रूम मिला है जाओ, लेकिन यहाँ पे फॉग चल रहा है, एक मिनट ब्राइटनेस कम कर दी। अब अच्छा है जी। भाई आप क्या कर रहे हो? मैं तो ये फूल कलेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ अच्छी चीज़ मिले उसको ख़राब कर दो। गुड जॉब। अब मैं इससे नीचे जाने वाला हूँ बिला वजह। पहुँच गया था, जो नीचे गिरती रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अब ये यह है, यहाँ पे टेम्पो कोई जा ही नहीं रहा, सब व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये व्यू है और हर तरफ फॉग ही फॉग। अच्छा ये रास्ता बना हुआ है, फिर मैं वहाँ से क्यों आया। इस हालांकि स्टेयर्स भी हैं, लेकिन मैं फिर भी यहीं से जाऊंगा, पता नहीं क्यों। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं गिरूंगा, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा, शायद गिरूंगा, नहीं गिरा। अब बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो रियान ने मुझे कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो, पहले हाथ पकड़ के जा रहा था, अब इसने नया तरीका ढूंढा। जी भाई समझाएं क्या करना है। भाई ये तो ईजी है बहुत, बस ऐसे मतलब सिंपल बैठ के पैरों को यहाँ पे साइड में इन पत्थरों के लगा के बस चलो। इससे बेहतर देखो ऐसे खड़े हो जाओ और फिर यूं भाग के ऐसे आ जाओ। लेकिन मैं नहीं करने वाला। नहीं मैं क्यों करूँ, मैं तो रेहान हूँ। मेरे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, पीछे विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, कुछ ही नज़र नहीं आ रहा। ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो रेहान ने मुझे कहा कि यहाँ से चलो, यहाँ भी सीढ़ी आऊँगी, लेकिन मैं क्यों जाऊँ सीढ़ी से। हाँ उधर सीढ़ी से नहीं आना था तुम्हें। गंदा है। हाँ वहाँ पे सीढ़ी है ये। वहाँ पे सीढ़ी। मुझे भाई वहाँ पे तो पत्थर है। चल भाई अब मैं जा रहा हूँ जी। मेरे में ज़्यादा आसान पत्थर है। अब यहाँ से मैं भाग के जा सकता हूँ, लेकिन फिर स्टेबल वीडियो ही नहीं आएगी, फ़ायदा क्या होगा। तो अब यहाँ से मैं भाग रहा हूँ और मैं गिर भी गया, क्या बात है, इज्जत हो गई मेरी। अब मुझे लगता है मैं ऊपर भी चला जाऊँगा, नहीं बल्कि ऊपर नहीं जाते, सीढ़ियों से ही चले जाते। और ये मैं दस पे चढ़ गया, पता नहीं कैसे चढ़ाऊँ, लेकिन चढ़ गया। इस पे चढ़ सकते हैं, लेकिन ये पतली है। और ये रियान भाई ट्रैम्पोलिन के अंदर इंजॉइंग मारते हुए। रियान कैसा फीलिंग? बहुत जंपिंग जंपिंग ये भी सही है। रिकॉर्ड करोगे? हाँ, ये तो
मैं यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े जंप हो रहे हैं। बस 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 और ये और अब बहुत ही लो विजिबिलिटी हो गई, इस पर सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत लो हो गई। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे पनक फ्लावर्स भी हैं, और पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ भी बैठे थे। ये पूरा नीचे है। एंड दी इज़ माई फेवरेट ऑफ दिस प्लेस, ये वाले, और यहाँ पे रोजेज भी हैं। बस व्यू इतना मज़े का है ना। और इस वक्त तकरीबन रात होने वाली है, उसके बाद कोई व्यू नहीं होगा, पोल्यूशन। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने वाला हूँ, हैशटैग फ्लावर लवर। इसको ले लेते हैं, फिर इसको ना, एक मिनट इसको ले लेते हैं, फिर इसको, ओह वाओ, इसके अंदर वाइट वाला भी है, इसको लेते हैं, फिर इसको कान में डालते हैं। एक मिनट, फोटोग्राफी, ये बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और वीडियो बन करने के बाद डाल दूँगा। तो इतना देर हो गया कि इन्होंने लाइट ऑन कर दिया, और अब ये एविस्थेटिक फील होने लगती है, थोड़ा सा एविस्थेटिक फील है, और विजिबिलिटी। तुम्हें भी रिकॉर्ड होना है, अपना एंजॉय करो। अजीब मेरे ब्लॉग में आ रहे हो ख़राब करने के लिए, तुम क्या आ रहे हो? बैडिंग बॉयज। और यहाँ पे भी ये सन लग रहा है, लेकिन सन नहीं है, लाइट ही है। तब मुझे क्लाइंबिंग का फिर से शौक चढ़ गया, तब मैं फिर से इधर जा रहा हूँ। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, अब यहाँ जाऊँगे, यहाँ जाऊँगे, पता नहीं कहाँ, यहाँ जाते हैं। अब यहाँ से कैसे हाँ आ गया, पता चले ये टूट जाए। अभी ये मैं स्टेयर्स के ऊपर, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा फॉग है, और अब अंधेरा होने वाला है। और ये जो बल्ब्स हैं सन की तरह दिख रहे हैं, लेकिन लैंप्स हैं। इस बंदे को चाहिए कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ। अभी अभी ट्रैम्पोलिन से होके आए, ट्रैम्पोलिन में मज़ा आया, बहुत कुछ आया ऐसे। और इस वक्त ये भी हुआ, मैं आपको अपनी स्पेशल एबिलिटीज दिखाने वाला हूँ। आई एम हिडन स्पाइडरमैन एंड मार्वल शुड हायर मी। तो यहाँ से ये भी है एस्थेटिक। ओह नो, नो ज़िपलाइन। गाड़ी वाली। रियान मुझसे नाराज हो गया। रियान भाई, ये ऐसे पोज करते हैं पिक्चर के लिए। अब जो है रात हो गई है, तो अब नज़र नहीं आएगा, अब सिर्फ रात ही और यही नज़र आएगा आपको। तो अभी हम वॉशरूम करने हैं, तो ये बच्चा गले लेके बैठ गया, तो अगर हम आगे जाएंगे कि ये मैं गोली मार दूँगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, मुझे देख के गोली, ये देखो इतना ख़तरनाक। इमेजिन आप वॉशरूम से बाहर आ रहे हो, आगे ये भी हुआ। हर वीडियो में आना ज़रूरी है यार, वीडियो में आना जरूरी होता है, जैसे व्यूज बढ़े, लाइक्स, सब्सक्राइब हो। इतने भी अच्छे नहीं होंगे लाइक्स भी, सब्सक्राइब तीन चार तीनों दे दो मुझे। ये भी सन लग रहा है यार, बार बार लैंप ही है। अच्छा, तो अभी रेस्टोरेंट आए थे खाना खाने, और खाना कब से नहीं आया, तो मैंने सोचा बाहर आके थोड़ी बहुत एक्सप्लोरिंग कर लूँ। तो अब मैं कल, आज जो है 17 तारीख है, और कल जो है 18 है। और कल 18 स्पेशल क्यों है, क्योंकि कल है 18, और कल 18 अगस्त है, लेकिन जो कल रिजल्ट है कैम्ब्रिज वालों का IGCSEs का। अब मैं, आप सोच रहे होंगे मैं तो 9th में, तो मेरे कैसे, तो इसका लंबा सीन है, तो वो अभी बताता हूँ। तो मैंने जो है वो जो मई जून 2021 में फिज़िक्स का एग्ज़ाम दिया था IGCSE का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टार आया था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2021 में दिया था बायोलॉजी और इंग्लिश का, उसमें भी ए स्टार बायो में और ए विथ टू इन स्पीकिंग इंग्लिश में आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जो है मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स का दिया था मई जून 2022 में,
तो कल उसका रिजल्ट है, और जब स्कूल खुलेंगे तो टेंथ मेरी ख़त्म हो गई होगी। अभी मैं GCSEs दूंगा टेंथ के, और उसके बाद मैं सीधा AS में चला जाऊंगा। तो ये सीन है, तो कल रिजल्ट आएगा, आप उसी का इंतज़ार करेंगे। तो अब 10:30 हो रहे हैं और 7:50 का अलार्म रख के बिस्मिल्लाह करके सो जाते हैं। The next day. तो अगला दिन शुरू हो गया और फनी सीन हुआ है उठते ही। तो मैं 6 बजे से उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ टाइम देख के कि कब 8 बजेंगे रिजल्ट आएगी। अब जब 8 बजे हैं तो मैं उठ गया, मैंने 7:50 का अलार्म लगाया था। अब जो है क्रीडेंशियल्स तो मुझे नहीं पता, अब्बू के पास थे, उन्होंने मुझे नहीं दिए। तो अब मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या होगा, मैं नर्वस हूँ। और फिर जब अब्बू आए चाय लेके तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सब्जेक्ट्स में A आया है। तो इस तरह IGCSEs कम्प्लीट हो गए, अब GCSEs दे के AS में इंशाल्लाह। बाकी अब जो ये वाला दिन भी है, अब हम अभा में ही हैं, उसके बाद जाएंगे रियाद। और इस वक्त जो है धूप है, लेकिन मतलब ठंडी हवा चल रही है जैसे धूप है, और टेम्परेचर यहाँ पे 20 तक है। रियाद में अगर देखें तो 46 और 47 तक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मूव कैसे करेंगे, एडजस्टेड तो है लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब अभी हम जा रहे हैं घूमने फिर से, और फिर वही दिखाता हूँ आपको। लगता है मैं जबले सौदा की मार्केट में, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और फॉग या क्लाउड्स कुछ भी नहीं है, तो हम मार्केट में आए चीज़ें देखने। और जी रियान से मुझे ग्लासेस दिखाने लाए, लेकिन इसके पास घर में 4 पड़े हुए हैं। 4 नहीं 3 पड़े तो हुए ना यार, फिर भी यार एक मिनट ये देखो, लालच खत्म नहीं होती ना। नहीं, इस साइड से देख रहा हूँ तो दूसरा कलर हो जा रहा है इस साइड। अब फॉग आ रहा है, फॉग नहीं क्लाउड्स। और अब धूप के साथ भी फॉग आया हुआ है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर गिरा तो यहाँ से जाऊँगा, सर मेरा यहाँ लगेगा, यहाँ तो ये झाड़ियाँ रुकेंगी, यहाँ ये पड़े पेड़, वरना मैं वहाँ नीचे ख़त्म। अब फॉग आ रहा है, ये वाइट वाइट फॉग में वाइट वाइट थी। वाओ, क्यूट फोटो। ये हवा के साथ जो है रुक रही है, चल रही है, तो इसके पाँव जो है इसमें चिपके हुए। बाकी ये फॉग काफ़ी ब्लर हो गया है। मुझे रियान भाई यहाँ के तितली देखनी है, और यहाँ पे एंट भी मिली है, मैं अपने घर जा रही है चीज़ें लेके। यार ये क्या है? एंट मतलब ये मुंह में कोई पेड़ लगता है, मतलब छोटा सा एप्पल, मिनी एप्पल। ऐसे मिनी एप्पल तो नहीं होते। ये मैं हूँ, ये फॉग है और हमारी फॉग हो गई। यहाँ पे ये इससे पत्थर तोड़ने की कोशिश की है, और रियान सर जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है। यहाँ पे मंकी जैसे बैठे हुए हैं कि इनको कोई कुछ दे दे। यहाँ पे ये लोग लड़ रहे थे जंगलियों की तरह इस व्यू में। तो उस जगह से अभी हम निकल गए हैं, और अभी स्टॉप आया था तो यहाँ पे फ्रूट्स और चाय वगैरह लिए हमने, और अभी किसी और जगह पे ऐसी जगह पे जाके वहीं पे रुक के ये खाएंगे और थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे। तो इस वक्त हम हैं जबले सौदा के पार्क में, और जबले सौदा एक ऐसी चीज़ है, जगह है जहाँ अगर अभा है और जबले सौदा नहीं है ना, तो आपका जो विज़िट है ना वो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ का जो व्यू है इस साइड से ही है, लाइक लेजेंडरी पार्क ही है। और बाकी उस साइड से भी थोड़े शॉर्ट्स बना के दिखाता हूँ। तो इस समय पता नहीं कैरेक्टर की तरह क्यों गोल घूम रहा हूँ, दोनों हाथ फ्री हैं मेरे इसकी वजह से। 360 व्यू आ रहा है। अब मैं को एक और एबिलिटी दिखाने वाला हूँ अपनी। हार विल शूट हार तीन पापा दर्द कर रत्न में बारिश हो रही है, और ये जो कैट है हमारी पार्क नीचे अभी शूट हो रही है। ठंडा लाल।
कल जो हमारे साथ बहुत बैड सीन हो गया, जब हम खाना खा के ऊपर वापस जा रहे थे तो कार से धुआं निकलने लग गया और जो है पाइप से ना पानी निकलना शुरू हो गया नीचे से, तो पता चला बाद में कि रेडिएटर का मसला है। फिर टो ट्रकिंग वगैरह वगैरह कार रेंट की है और फिर वापस होटल में आए देर से। और अभी हम जा रहे हैं कार कलेक्ट करने, उसने कहा था जुम्मे के बाद, तो अभी हम कार कलेक्ट करने ही जा रहे हैं, उसके बाद हम सीधा रियाज जा रहे हैं। और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि और लंबा व्लॉग बनाऊं, पहले ही 16-17 मिनट का निकल आएगा, तो बस यही एंडिंग है। अभी हम बैठे हुए थे कार वर्ष में, तेज़ बारिश शुरू हो गई और तकरीबन फिक्स हो गई हमारी, बहुत तेज़ बारिश हुई और ये सारे भी अंदर चले गए, तो जब तक फिक्स होती है मिल जाती है फिर निकलेंगे यहाँ से। काफ़ी तेज़ हो गई बारिश। अरे तो ब्लॉग खाना होता है। कदर निकाल के रहे हो?